प्लान ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन्स एंड हाइब्रिड्स तो सबसे पहले मैथड्स ऑफ इनब्रेड डेवलपमेंट की अगर अपने बात करें तो दो मैथड्स का यूज हम लोग कर सकते हैं इनब्रेड लाइन्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले है सेल्फ क्रॉस मैथड और दूसरी है हैप्लॉयड प्लान मैथड सबसे पहले सेल्फ क्रॉस मेथड की बात करें तो इस मेथड के अंदर अगर हम इनब्रेड लाइन डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर रिपीटेडली सेल्फिंग करवानी होगी हिट्रोजाइगस पॉपुलेशन यानी कि जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है वो हिट्रोजाइगस होती है तो उसमें रिपीटेड सेल्फिंग करवानी होगी सेल्फिंग करवाने से क्या होगा जो होमोजाइगोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी और जो हिट्रोजाइगोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जाएगी और आफ्टर मैनी जनरेशनस जो होमोजाइगोसिटी uh, है वो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट हो जाएगी और हिट्रोजाइगोसिटी जीरो पॉइंट वन परसेंट रह जाएगी तो इस तरह की लाइन को हम लोग बोलते हैं इन लाइन तो इसमें देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फिंग इज टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन तो हम लोग सेल्फिंग इसीलिए करवाते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेटर क्रॉप के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू दूसरी मेथड है हैप्लोइड प्लांट मेथड तो इसके अंदर दो मेन स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले हैप्लोइड प्लांट को प्रोड्यूस करना तो हैप्लोइड प्लांट अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एमएस मीडियम यानी कि जो स्कूक का मीडियम है कल्चर मीडियम होता है एक तरह का इसके ऊपर हमें कल्चरिंग करनी पड़ेगी किसकी एंथर या पोलन की अब एंथर के अंदर क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं जब हम इनका कल्चर करेंगे तो इससे प्लांट्स डेवलप होंगे और ये जो प्लांट्स हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है क्रोमोजोम डबलिंग अब क्रोमोजोम को डबल करना है हमने हेप्लॉयड प्लांट तो डेवलप कर लिए अब हमें इन्हें डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉल्चीसिन कॉल्चीसिन जो केमिकल है ये हमें लिलियसी फैमिली के एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल कॉल्चिसीन की खास बात क्या होती है कि ये माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है जिससे आ, जो क्रोमोजोम्स हैं वो उसी सेल के अंदर रह जाते हैं और क्रोमोज़ोम्स की जो नंबर है वो डबल हो जाता है तो इस तरह से क्रोमोजोम को डबल करने के लिए हमें कॉलचीसिन रसायन जो है उसका यूज करना पड़ता है तो इस तरह से ये दो स्टेप्स के द्वारा हम लो लोग एम्प्लॉइड प्लांट मेथड के द्वारा जो इनब्रेड लाइन है उसको डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम इन टिश्यू कल्चर इज तो एमएस मीडियम जो है उसके उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर कल्चरिंग के अंदर और इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा एम एस मीडियम नेक्स्ट पॉलन कल्चर पे दो नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तो पोलिन कल्चर के द्वारा हम लोग हैप्लॉयड प्लांट्स डेवलप करते हैं तो ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है इसकी नेक्स्ट देखो एन इंडिविजुअल विद जेनेटिक क्रोमोजोम नंबर इज नोन एज यहाँ पे आएगा एन इंडिविजुअल विद गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे तो गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर के साथ अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंप्लॉयड तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैप्लॉयड उसके बाद हैप्लॉयड ब्रीडिंग क्या है तो ब्रीडिंग में हम लो लोग हेप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप करते हैं तो प्लांट जो है वो स्टेप इसके अंदर डिस्कस करना है उसके बाद तो मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम डबलिंग के लिए यूज होता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रोमोजोम डबलिंग